जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट करके पूछ रहे थे कि हमारा अभी जो रिजल्ट है वह जून 2024 का वह नहीं आया हुआ है, तो क्या हम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं? तो इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो साथियों, सिंपली आप सबसे पहले यह जान लीजिए कि आप UPRTOU की ऑफिशियल साइट को ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद जब इस प्रकार का होम पेज आपके सामने ओपन हो जाता है तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा एग्जामिनेशन का। सिंपली आप इस पर क्लिक किए। इस पर क्लिक करने के बाद साथ यहाँ पर देखिए आपको रिजल्ट आल का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप इस रिजल्ट आल वाला ऑप्शन पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आता है। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया रिजल्ट जून 2024 का, और उसके सामने यहाँ पर क्लिक हियर का ऑप्शन दिया गया, तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद साथियों, जितने भी रिजल्ट जारी किया गया है ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा, वो सारे रिजल्ट आपको एक एक करके यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो टोटल अभी देखिए एक से लेकर टोटल 11 रिजल्ट जो है जारी हुआ है, जिसे ओपन यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। और ये सब आपके जो आपके डिप्लोमा प्रोग्राम है, जो आपके सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, उनके केवल रिजल्ट यहाँ पर जारी हुए हैं। बाकी आपके जो अभी रिजल्ट बाकी हैं, जैसे आपके BE का हुआ, या फिर आपका MA का रिजल्ट हुआ, या फिर साथियों आपका कोई और भी रिजल्ट हुआ, वो रिजल्ट जल्दी साथियों आपका अपडेट कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा, उसकी जानकारी तुरंत ही हम आपको अपने इस चैनल पे बता देंगे, जिसे आप देख सकेंगे, ठीक है। बाकी साथियों, यदि आपका रिजल्ट आया है या फिर अभी नहीं आया है, ठीक है, तो उसकी कोई चिंता नहीं कीजिए, यानी कोई बात नहीं। यदि आपका रिजल्ट आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में यदि आपको एडमिशन लेना है, ठीक है, सेकेंड ईयर या फिर आपको थर्ड ईयर में आपको एडमिशन लेना है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको रिजल्ट का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए आप अपने HD सेंटर से भी संपर्क कर सकते हैं कि आप अपने रिजल्ट की प्रतीक्षा बिल्कुल भी मत कीजिए। आपको यदि सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में एडमिशन लेना है, तो आप जो है अपना एडमिशन ले सकते हैं। उसमें आपका रिजल्ट का कोई भी मामला नहीं है, यानी उसमें यदि आपका रिजल्ट नहीं आया तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि यदि आपका रिजल्ट नहीं आया तो अपना एडमिशन नहीं ले सकते। आपका रिजल्ट नहीं आया तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, और जैसे ही रिजल्ट आपका आता है उसका अपडेट हम तुरंत ही आप तक पहुँचा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना साथियों, नमस्कार।